हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए, और ये मैं जो क्लास 12th के लिए, जीसी बोर्ड के लिए जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, और उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे उसको माइंड में आपको फिट करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशंस देखते ही आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, तो मैं वन बाय वन करके इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है वो एक ऑस्किलेटरी मोशंस है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ऑस्किलेटरी मोशन। सो SHM इज ए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। अब ऑस्किलेटरी मोशन कहने का सेंस ये है, जो ये टू एंड फ्रो मोशन होगा, मीन्स मीन पोजिशन से आगे जाएगा, फिर अपने मीन पोजिशन आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजिशन पे जाएगा, फिर मीन पोजिशन पे जाएगा। इस तरह का जो मोशन हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो पीरियडिक मोशन होना जरूरी है। और किसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन, तो देखिए पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन हम उसको बोलेंगे जो कि एक कंप्लीट सेट करने में जितना टाइम इंटरवल लगता है, एक कंप्लीट सेट ऑफ मूवमेंट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियडिक मोशन। सपोज टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, और सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पीरियडिक, इज कॉल्ड पीरियड। मीन्स ये वन पीरियड हो गया। सपोज इस तरह से है हमारा कोई पेंडुलम है, ये हमारा मीन पोजीशन है और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया और फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया। जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, उसको बोलते हैं हम लोग वन टाइम पीरियड। और यदि बोले को सिर्फ मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम, तो टी बाई फोर, एक्सट्रीम से फिर मीन आने में कितना, तो टी बाई टू। सेम हियर, सो दिस ऑल द थिंग्स लाइक, ये मीन पोजिशन है, यहाँ पे ये ए है और दिस इज बी, सो दिस इज ओ टू ए एंड दिस इज बी, सो ओ टू ए एंड ए टू ओ, अगेन ओ टू बी एंड बी टू ओ, दिस ऑल द थिंग्स इज वन टाइम पीरियड। तो सिर्फ बोलेगा ओ से ओ ए जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी बाई फोर, ए से ओ आने में कितना टाइम लग रहा है, टी बाई फोर, ओ से बी आने में कितना, टी बाई फोर, और ये कितना, टी बाई फोर। तो सबको जब मैं ऐड करूंगा, सो दिस टी इक्वल टू ओ टू ए प्लस ए टू ओ प्लस ओ टू बी प्लस बी टू ओ, दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है हमारा, पीरियडिक मोशन है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने सारे पीरियडिक मोशन होंगे वो सिंपल हार्मोनिक होंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो पीरियडिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे पीरियडिक मोशंस सिंपल हार्मोनिक हो, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इफ मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स ए पीरियडिक मोशन। और जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक तो हम ये लोग ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसे भी मोशन होते हैं
जहाँ पे कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, कंडीशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज कॉल्ड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ए हमारा क्या है, एक्सलरेशन है। यदि एक्सलरेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, निगेटिव साइन यहाँ ये इंडिकेट करता है जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैन आई से यदि एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ए रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। अब जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो देखिए किस तरह से रहेगा। सपोज ये हमारा एक फिक्स्ड एंड है और ये हमारा स्प्रिंग है, हमने इस स्प्रिंग में यहाँ पे मास अटैच कर दिए और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहा हूँ और नेचुरल लेंथ से कितना बढ़ा रहा हूँ, तो एक्स बढ़ा रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस दे रहा हूँ। अब जो फोर्स होगा जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये फिर से टुवार्ड्स द मीन पोजिशन आएगा और कितना आएगा, फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। सपोज स्प्रिंग को हमने क्या किया, अब कंप्रेस करना शुरू कर दिए, अब उतना दूर नहीं ले जाके यहाँ पे ही हमने कंप्रेस कर दिया, तो अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स है और अब जो फोर्स लगेगा वो हमेशा माइनस के एक्स। तो क्या देख रहे हैं, ये हमारा मीन पोजिशन है, जब हमने इसको इलोंगेट किया तो फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजिशन, जब हमने स्ट्रेच किया फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजिशन। इसका मतलब है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो दिस फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। तो एक तो हो गया, सबसे पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये पीरियोडिक मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन है, और पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे, तो एक कंप्लीट सेट ऑफ मूवमेंट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। दूसरा जो कंसेप्ट है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसेप्ट है जो एक्सलरेशन इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से एक्सलरेशन इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। जैसे ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सलरेशन इधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, निगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ दिस फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि एक्सलरेशन जब निगेटिव एक्स है तो फोर्स भी क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि जैसे जैसे एक्सलरेशन चलेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब इस फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और ये जो के है उस के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एंड इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए क्या है ये, सो दिस डिराइव द क्वेश्चन रहेगा इस तरह से आपको, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी
दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये आएगा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अभी हमने जस्ट क्या देखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आपको क्या लिखना है, फोर्स इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, दिस ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, दिस ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक्सलरेशन को यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। सो दिस एक्सलरेशन वी कैन राइट लाइक दिस, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहां पे इसको पुट कर दीजिए, डी टू एक्स इज अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो दिस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, सो ओमेगा आई कैन राइट रूट ऑफ के अपॉन एम। और यहां से ही यदि मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो देखिए क्या होगा, ओमेगा को लिख सकता हूं मैं टू पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम एंड टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट एम अपॉन के। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग वाले जितने भी सम रहेंगे उसमें आप टाइम पीरियड वन अपॉन टू पाई रूट एम अपॉन के लगा सकते हैं, इससे आपको क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी कितना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये देखिए। तो यदि मैं यहां से ही लिखूं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या है हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स अपॉन डी टी, क्या है हमारा, तो ये वेलोसिटी होता है, सो डी एक्स अपॉन डी टी इज बिकम वेलोसिटी। नाउ दिस डी अपॉन डी टी इंटू भी लिख सकता हूं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक चीज देखिए यहां पे ध्यान से, ये डी वी अपॉन डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हमने क्या किया dx से नीचे डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई ऊपर किया, तो सेम चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट हियर दिस dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नाउ दिस dx अपॉन dt इज व्हाट, वेलोसिटी। सो यू वी कैन राइट हियर v इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस भी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज आउट एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है डेरिवेशंस। अब जो ये सी का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंसेप्ट है, यदि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल्स है तो वहां पे वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यदि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो हम लिख लेते हैं व्हेन पार्टिकल एट एक्सट्रीम पॉइंट व्हेन पार्टिकल एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी इज बिकम जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज बिकम मैक्सिमम ए। ए क्या है मेरा, तो ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है और इस एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन है, एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, फ्रॉम द मीन पोजिशन, फ्रॉम द मीन पोजिशन। अब इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ये इक्वेशन ए है, एक्स के जगह पे ए डालिए, बी के जगह पे जीरो डालिए, तो जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो सी कितना आ गया मेरा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। जब इसको वापस मैं यहां पे पुट करूंगा तो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। दिस इज अ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टू 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 ऑल गेट कैंसिल। सो दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन, दैट इज वॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये किसका इक्वेशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि आपको बोले डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और यहां से ही ये स्टेप्स आ जाते हैं। या तो फिर ये दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां से आपको वेलोसिटी पूछेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। एक्सलेशन पूछेगा, जो एक्सलेशन कितना हो रहा है, तो ए इक्वल टू हमारा सबसे सिंपल है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। वन सेकेंड, अब एक चीज देखिए, यहां से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, मीन पोजिशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा हो तो एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट, ए हमारा एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। When particle starts from extreme position, when particle starts from extreme position, जब सम में आएंगे इस तरह से लिखे हुए तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है, x equal to a cos omega t। Now, velocity is become plus minus omega root of a square minus x square, v is called velocity, omega is called angular frequency, a is called amplitude, x is called displacement, x is called displacement। So this v equal to plus minus omega root of a square minus x square, x हमारा क्या है, तो displacement है। एक्सलरेशन का यहां से पूछे तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यदि आपको इसके बेस्ट, सिर्फ इस एक्सलरेशन के बेस्ट यदि सम दिया जाए, जो कोई इक्वेशन लिखा हो और आपसे पूछ रहा हो क्या ये इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो आप उस इक्वेशन का क्या करिए, एक्सलरेशन फाइंड करिए और देखिए कि यदि ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में निगेटिव साइन लग रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सपोज आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, एक्स इक्वल टू थ्री साइन टी प्लस फोर कॉस टी, एक्स इक्वल टू वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, ये क्वेश्चन है और बोल रहा है इज इट इक्वेशन ऑफ, इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या कह रहा है ये, एक हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है,
और उस इक्वेशन को देख के बताना है क्या यह लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो एग्जाम में सिर्फ देख के यस और नो नहीं लिखना है, यदि ऑब्जेक्टिव में होगा तो आपको ऑब्वियसली आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे मल्टीपल में वो टिक करना पड़ेगा, लेकिन यदि दो नंबर में होंगे, तीन नंबर में होंगे, यदि चार नंबर का सम होगा तो आपको ये डिराइव करके दिखाना पड़ेगा है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये एक्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, आप इसका वेलोसिटी निकालिए। तो जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी पूछ रहा हो तो v इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी, सो दैट इज वॉट डी अपॉन डी टी, एक्स कितना है हमारा 3 sin t प्लस 4 cos t। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 cos t माइनस 4 sin t, दिस 3 cos t माइनस 4 sin t, ये हमारा क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब जब मैं एक्सलेशन निकालूंगा तो क्या करूंगा, डी वी अपॉन डी टी, सो दिस डी अपॉन डी टी, वी क्या है हमारा 3 cos t माइनस 4 sin t। नाउ इस इक्वेशन को मैं फिर से यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 3 cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस 4 cos t। अब क्या दिख रहा है आपको, माइनस यदि मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ये 3 sin t प्लस 4 cos t, और ये माइनस 3 sin t प्लस 4 cos t मेरा क्या है, ये एक्स है, सो दैट इज वॉट माइनस एक्स में मेरा आ रहा है इक्वेशन, इक्वेशन किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। बोलिएगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कितना है, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, तो ये एक्स का कोफिशियंट 1 है, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू रूट 1, एंड दिस ओमेगा इज बिकम 2π/t इक्वल टू रूट 1। तो यहां से आप टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, एक्स इक्वल टू 2 sin 3t प्लस 4 cos 3t। आपको बताना है क्या ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ये इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसके अलावा जो कंसेप्ट है, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो भी हमने देखा अभी प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी यदि निकालना हो तो हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, हाफ एम प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस बिकम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इक्वल टू होता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए तो कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ दिस टोटल एनर्जी इज वॉट, सो दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो सॉरी एक्स स्क्वायर, सो दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, दैट इज वॉट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। अब एक ही एक्सिस पे यदि काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो तो कैसे पता चलेगा ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है या ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर,
कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। एंड काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो एट ए मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन। अब जो ये मीन पोजिशन है यहाँ पे यदि मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जीरो द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज बिकम मैक्सिमम। तो मीन पोजिशन पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल जीरो हो रहा है, काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा है। एट एक्सट्रीम पोजिशन देख लेते हैं क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्स इज इक्वल टू ए, डिस्प्लेसमेंट क्या है वहां पे मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड लिख दिए, पोटेंशियल क्या होगा मेरा हाफ के स्क्वायर और काइनेटिक क्या होगा मेरा जीरो। अब यदि ग्राफ दिया हो आपको, इसके बेस्ड आपको यदि ग्राफ दिया हो, एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ दिया हो, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल और या काइनेटिक है, ये इस तरह से ग्राफ दिया होगा आपको, इस तरह से ग्राफ दिया हो और ये दोनों ही ग्राफ पूछ देगा आपको ये मीन पोजिशन है, तो मीन पोजिशन पे क्या है ये जीरो, कौन सा होगा पोटेंशियल, तो ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। मैक्सिमम दिख रहा है ये, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का, और ये आप दिखा दीजिए एनर्जी दोनों इस तरह से, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मींस। और एक्सट्रीम पोजिशन पे ये दोनों पॉइंट भी निकल सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे काइनेटिक पोटेंशियल को, ये भी पॉइंट निकल सकता है, तो आप इस तरह से दोनों ग्राफ को देख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।